हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फ्रेंच फिल्म दी स्वॉम्प को, जिसे अनफॉर्चुनेट इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज किया गया है। यानी कि ये फिल्म आपको हिंदी में देखने नहीं मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कुछ हद तक ठीक ही है। क्यों तो पहले बात करते हैं कहानी की, उसके बाद आएगी इस पॉइंट पर। वेल, तो फिल्म की कहानी अगर आपने ट्रेलर देखा है तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाती है कि ये फिल्म वर्जीनिया नाम की एक सिंगल मदर पर फोकस कर रही है, जिसका बिजनेस भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, जो बिजनेस स्पीडिंग का है, और उससे वो क्या उसके दोनों बच्चे भी परेशान हैं, जो बैंक करप्ट होने के चक्कर में कुछ ऐसा ट्राई कर लेती है जिसके बाद उसका बिजनेस भी चलने लगता है और लोकर्स की संख्या भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और फिर क्या इन में केओस आएगा और फिल्म खत्म, जो कि हमें एक्चुअल में फिल्म के ट्रेलर तक में दिखाया गया है। यानी ट्रेलर हमें फिल्म की पूरी की पूरी कहानी भी बताता है, जिसे देखकर पहले तो आपको ऐसा ही लगता है कि ये फिल्म एक काफी थ्रिलिंग इंटेंस से भरी हॉरर फिल्म रहेगी, जिसमें लोकर्स कई बड़े केओस क्रिएट करेगी और उससे लोगों की जान भी जाएगी। तो वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए पहले तो आपको लगभग 1 घंटे 40 मिनट की फिल्म देखनी होगी, जिसके लिए अब आपको आपका समय देना भी चाहिए या नहीं, चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आ जाते हैं फिल्म की कुछ तारीफ करने वाले पोर्शन पर, जिनमें नो डाउट फिल्म की लीड वर्जीनिया के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस सुलीन ब्रह्म की परफॉर्मेंस काफी जानदार है। उनकी परफॉर्मेंस में आपको सिंगल मदर के साथ साथ बिजनेस का टेंशन, दो बच्चों की जिम्मेदारी और उनकी खुद की फ्रस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देती है, जो बाकी दूसरे कैरेक्टर्स में हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आती। यानी कि बाकी दूसरे एक्टर्स बस स्क्रीन पर आते हैं, अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं और फिर क्या स्क्रीन से हट भी जाते हैं। यानी कि एक्टर्स को लेकर या फिर कह लो कैरेक्टर्स को लेकर जो डेवलपमेंट हमें बाकी दूसरे कैरेक्टर्स में देखने मिलनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म से गायब है। उसके अलावा तारीफ के पोर्शन की बात करें तो तारीफ करनी होगी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की, जो हमें इस फिल्म में ग्रास पॉपर के काफी क्रीपी से क्रीपी मोमेंट्स दिखाती है, जिन्हें देखकर आपको घिन आएगी, जो ये फिल्म आपको दिलवाने में पूरी तरीके से कामयाब होती है। क्योंकि फिल्म का असल मकसद ही यही है कि ग्रास पॉपर को अगर काफी ज्यादा जूम कर दिखाया जाए तो वो इंसेक्ट कुछ लोगों को कितना ज्यादा क्रीपी लग सकता है, खास करके खून पीने के मामले में। लेकिन ऐसी वियर्ड सी चीजों को देखने की मुझे आदत सी हो गई है, इसलिए मेरे लिए वो चीजें इतनी भी ज्यादा खास नहीं थी, जितनी ज्यादा अच्छी मुझे फिल्म की हर फ्रेम की सिनेमेटोग्राफी लगी है। यानी कि फिल्म का डायरेक्शन भी अच्छा है। बाकी रही बात फिल्म के सेट डिजाइनिंग की, तो वो ठीक ठाक है, और हाँ सिनेमेटोग्राफी के चलते फिल्म की फोटोग्राफी भी अच्छी ही है। लेकिन जो चीज अब हमें निराश करती है इस फिल्म से, वो है फिल्म का बीजीएम। फिल्म की काफी बेकार की गई एडिटिंग, जिस वजह से ये फिल्म हमें बोर और हिसाब से काफी ज्यादा बोर करती हुई चली जाती है। क्योंकि कहानी की बात करें, जो असल में इस फिल्म में है ही नहीं, वही इस फिल्म की सबसे बड़ी दुश्मन है। जी हाँ, इस फिल्म की कहानी वही है जो हमें ट्रेलर में दिखाई गई है, उससे ज्यादा तो ये चीज कुछ भी प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करती और बेमतलब की लेंथ बढ़ाते हुए हमारा टाइम ही वेस्ट करती है। लेकिन हाँ, इसके अलावा फिल्म के एंड के 20 मिनट काफी अच्छे से शूट किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत राहत तो दे ही देते हैं कि हमने एक बेकार सी फिल्म देखी जो किसी मतलब की नहीं थी, लेकिन एंड हमारे टाइम को थोड़ा बहुत वसूल करके तो देता ही है, जिसकी अगेन स्टोरी बेमतलब की ही खत्म होती है, ठीक इस फिल्म की शुरुआत की तरह। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरी नजर में ये फिल्म सिवाय आपके टाइम को वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करती। लेकिन इस फिल्म की तरह मैं आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे आ जाता हूँ इस फिल्म की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए ये फिल्म 5 में से आधे स्टार डिजर्व करेगी। कॉमेडी और सस्पेंस के लिए 0, जो इस फिल्म में थे ही नहीं। ड्रामा के लिए 1, और इसके हॉरर फिल्म के लिए 5 में से 3 स्टार तो बनते ही है। बाकी बात करें मासेस ऑडियंस की, तो मासेस ऑडियंस की नजर में ये कम्प्लीट टाइम वेस्ट फिल्म है, यानी कि डी की कैटेगरी की फिल्म, जिससे मासेस ऑडियंस काफी दूर रहेगी। क्रिटिक्स की नजरों में डी की, क्योंकि क्रिटिक्स इस फिल्म के कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं, बट मेरी नजर में भी ये फिल्म मासेस ऑडियंस की तरह डी की कैटेगरी में रहने की लायक की है। यानी कि टोटल टाइम वेस्ट, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर आप जरूर बताइएगा कि सच में आपने इस फिल्म को देखकर अपने टाइम को वेस्ट किया भी है या नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तब क्या मिलेंगे आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए, और टिल देन बाय।